आईपीएल 2021 का फाइनल मुकाबला सीएसके और कोलकाता के बीच खेला जा रहा है और फाइनल मुकाबले में धोनी ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि कोई भी यकीन नहीं कर पाया। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था और चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के सामने 193 रनों का लक्ष्य रखा, जिसमें फाफ डु प्लेसिस ने 59 गेंदों में 86 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 शानदार छक्के भी थे। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ 32 रन, रॉबिन उथप्पा 31 रन और मोइन अली ने नाबाद 20 गेंदों में 37 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 2 चौके लगाए और 3 शानदार छक्के। और जब इस 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के केआर की टीम मैदान में उतरी तो मैच के दूसरे ही ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने वेंकटेश अय्यर का कैच छोड़ दिया। कोई यकीन भी नहीं कर पाया कि महेंद्र सिंह धोनी इतना आसान सा कैच छोड़ देंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जैसे ही हेजलवुड ने गेंद डाली, वेंकटेश अय्यर का बाहरी किनारा लगा और विकेट के पीछे खड़े धोनी ने उनका कैच छोड़ दिया। जिसने भी यह वाक्य देखा वो धोनी पर यकीन नहीं कर पाया, क्योंकि इतने चतुर और फुर्तीले विकेटकीपर होने के बावजूद भी आज महेंद्र सिंह धोनी ने कैसे ये कैच छोड़ दिया। फिलहाल देखना होगा कि क्या यह कैच धोनी को महंगा पड़ता है या फिर जल्दी ही महेंद्र सिंह धोनी सूझबूझ के साथ और अपनी चालाकी भरी कप्तानी के दम पर केकेआर को मात देने में कामयाब हो जाएंगे। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।